विधानसभा चुनाव के रण की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर बीजेपी नेता पहुंच चुके हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी इस बैठक में मौजूद है। दूसरी सूची कब तक आएगी ये सवाल जरूर भी है, लेकिन इसका जवाब ये निकाला जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है, लेकिन नामों पर मंथन जारी है, अंतिम मुहर लग रही है और उसी को लेकर जो मंथन की प्रक्रिया है उसे लेकर यह बैठक। राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण तैयार है। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। दिग्गज लगातार चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई है, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अदिति, मंथन चल रहा है, क्या कुछ निकल कर आ सकता है इस मंथन से? आंखों के सामने अभी वसुंधरा राजे रवाना हुई है, प्रहलाद जोशी के घर के आवास से रवाना हुई है, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, इसके साथ साथ कुलदीप पिश्नोई भी अंदर मौजूद थे। सीपी जोशी रवाना हुए, अर्जुन राम मेघवाल सबसे पहले रवाना हुए, यानी कि अब प्रहलाद जोशी के आवास से ये पूरी बैठक है संभवतः जेपी नड्डा के आवास पर शिफ्ट होती नजर आ रही है। उससे पहले जेपी नड्डा के आवास पर चंद्रशेखर पहुंच गए थे, बीएल संतोष पहुंच गए थे। ऐसे में ये पूरी की पूरी बैठक जो है अब जेपी नड्डा के आवास पर नजर आ रही है। प्रहलाद जोशी के आवास से तमाम सीनियर जो नेता हैं वो रवाना हो चुके हैं। मैं एक बार फिर आपको बताऊं कि पिछले आधे घंटे से, इससे पहले सीपी जोशी, अर्जुन मेघवाल, ये तमाम लोग बीच में जब ज्वाइनिंग थी बीजेपी में तो अरुण सिंह भी वहां चले गए थे। उसके बाद प्रहलाद जोशी के आवास पर तमाम बैठकें थी, अब ये बैठक यहाँ से जेपी नड्डा के आवास पर शिफ्ट हो रही है। सामने वसुंधरा राजे रवाना हो चुकी है, इसके साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कुलदीप पिश्नोई भी अंदर से बाहर आए। ये तमाम लोग थे जो बैठक से रवाना होकर जेपी नड्डा के आवास पर जा रहे हैं। ये कोर ग्रुप की बैठक है, मंथन चल रहा है दूसरी लिस्ट पे, और इसके बाद आज लगभग लंबी बैठक उम्मीद की जा रही है कि ये बैठक चलेगी। राजेंद्र राठौड़ भी रवाना हुए यहाँ से, और इस बैठक के बाद ये बैठक के जब ये स्क्रीनिंग कमेटी, एक और व्यक्ति, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ से रवाना होते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर जी भी यहाँ से संगठन मंत्री हैं, वो भी रवाना हुए। तो अब ये जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक चलेगी और उसके बाद जल्द ही पूरी सूची को सीसी को सौंपा जाएगा और सीसी आखिरी मोहर लगाकर दूसरी सूची जो है बाहर निकालेंगे। जी वैसे तो हम चर्चा कंटिन्यू कर रहे हैं अदिति, लेकिन एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पहले लिस्ट जारी हुई है उसमें कुछ नामों पर, चाहे सीट्स को लेकर विवाद हो रहा है या फिर कुछ नामों को लेकर विवाद हो रहा है, अब किस चीज से बचना चाहेगी? और अगर हम किसी कहते हैं ना कि दिग्गजों के चहेतों की भी पसंद यहाँ पर ध्यान में रखी जाती है, लेकिन पहली लिस्ट में कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार क्या कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, पहली लिस्ट के बाद आंतरिक खींचतान काफी ज्यादा देखने को मिली, वो एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। दूसरी लिस्ट ऐसी कुछ होनी की संभावना है जिसमें शांति नजर आए, खुश चेहरे नजर आएंगे, रणनीति भी नजर आएगी। ऐसे में अभी जो बचे हुए नाम है 41 के अलावा, अभी काफी सारे नाम है जिन पर अभी मोहर लगनी बाकी है। वैसे होमवर्क के तौर पर, पैनल के तौर पर लगभग 200 नामों पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें से 41 की सूची बाहर आ चुकी है। अब सवाल यही उठता है कि अब जो दूसरी सूची आएगी उसमें क्या कुछ निकलेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर टिकट कटेगी, तलवार लटकी हुई है, फैसले हो चुके हैं। सवाल ये भी बड़ा है कि क्या और बड़े दिग्गज चेहरे सामने आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई कैबिनेट का मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी का नाम अभी तक नहीं आया। हालांकि कैलाश चौधरी बायतू से लड़ते, उनका नाम अनाउंस हो चुका है, यानी वो फिलहाल रेस से बाहर है। अब अर्जुन राम मेघवाल के अनूपगढ़ और गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में किस सीट से उतरते हैं, नहीं उतरते, हालांकि पहले की रणनीति, जो शुरुआती रणनीति थी वो यही थी कि किसी भी केंद्रीय मंत्री को नहीं उतारा जाएगा, कुछ सांसदों को उतारा जाएगा। कुछ की संख्या बढ़कर अभी तक 7 हो चुकी है। ऐसे में अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। दूसरी सूची पर आज मोहर लग जाएगी, तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं। कोई भी पार्टी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही, जहां पर भाजपा ने छत्तीसगढ़ में सोचा था कि तमाम नए चेहरे होंगे, अंततः वो पुराने चेहरों के साथ आगे बढ़ी। राजस्थान में भी ज्यादातर अभी तक जो पहली सूची है वो चौंकाने वाली थी, आगे माना जा रहा है कि पुराने ही चेहरे साथ होंगे जिससे कोई ज्यादा बगावत ना हो, और यही कांग्रेस के साथ है कि बगावत के डर से पुराने चेहरों को ही साथ लेकर चलने की बात यहाँ पर नजर आ रही है लगातार। ऐसे में अब जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक बताई जा रही है कि ये बैठक जेपी नड्डा के आवास पर अब पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएगी। फाइनल राष्ट्र अध्यक्ष के
के सामने चर्चा होगी और फिर ये सूची जो है ये सौंपी जाएगी सीईसी को, लेकिन अभी तक सीईसी का समय फिक्स नहीं है और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार तय करके रख ले और कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद ही नाम अनाउंस किया जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अदिति इस जानकारी के लिए।